जहां हजारों घर उजड़े वहां सैकड़ों घर बसे भी, और उन बसने वाले घरों में एक घर तारा सिंह और सकीना का भी था। मुसलमानी, ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लाभिया होगी सकनी। मगर ये सब इतना आसान नहीं था। खुशियों के चंद साल बीते ही थे कि एक दिन हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारा वतन है पाकिस्तान, अपनी पत्नी, अपने बच्चे की मां को हजारों मुश्किलें झेलकर, तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपने ससुर अशरफ अली को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर तारा सिंह सकीना को खुशी खुशी अपने घर हिंदुस्तान ले आया। इस बात से हिंदुस्तान में तो खुशियों के बाजे बज गए, मगर पाकिस्तान में फिर मेजर हामिद इकबाल कैसे चुप रहता। उसके बटालियन के तो 40 जवान मारे गए थे, वो भी एक हिंदू की वजह से, एक हिंदुस्तानी की वजह से। हिंदुस्तानी जिनसे उसे सख्त नफरत थी। असल में हामिद इकबाल आजादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन था। उसके बावजूद बंटवारे की वहशी आग से वो अपने परिवार को हिंदुस्तानियों से बचा नहीं पाया। इसलिए आप उसकी रगों में सिर्फ नफरत उफान मारती थी हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, गजवाए हिंद। साहब जी रहे, रहम की कोई कीमत नहीं है मजहब के बाजार में। भीख मांगी थी रहम की मेरी अम्मी, मेरे अब्बू ने, मेरे भाई बहन सबको मार दिया तुम्हारे लोगों ने वहां दिल्ली में।